बीजेपी नेता और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए। मनोज तिवारी ने फिर आप पर तंज कसा। इस बार बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली में सीसीटीवी प्रोजेक्ट को लेकर आपको आड़े हाथों लिया। मनोज तिवारी बोले कि आप पार्टी ने एक और भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरा हुआ, किस कारण देरी हो रही है। मनोज तिवारी ने बोला कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट के कारण 1600 करोड़ की पेनल्टी लगी है। उन्होंने आप नेता सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जैन ने 7 करोड़ की रिश्वत लेकर 1600 करोड़ की पेनल्टी माफ कर दी। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि ऐसे ही करप्शन के कारण दिल्ली और दिल्ली वासियों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी करप्शन पर करप्शन किए जा रही है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि इसको लेकर एलजी महोदय को एक पत्र लिखेंगे और दोषियों को कड़ी सजा मिले इसकी कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में ईडी ने एक बार फिर 13 जनवरी को ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस पर छत्तीसगढ़ की सियासत फिर गर्मा गई है। कोरबा रवाना होने से पहले सीएम ने हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा में ईडी और आईटी के छापों पर कहा कि भाजपा के पास सेंट्रल एजेंसी ही हथियार है, वो यहाँ लड़ नहीं पा रही है इसलिए सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा का काम सरकारों को अस्थिर करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में लड़ नहीं पा रही है, लगातार पदाधिकारी बदले जा रहे हैं इसलिए सेंट्रल एजेंसियों को हथियार की इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने पहले ही कहा था कि चुनाव तक ईडी की टीम यहां पर भी रहेगी, यही होता हुआ दिख रहा है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ईडी के छापे पड़ते हैं। यहां सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, अधिकारी कर्मचारियों को डराने का काम किया जा रहा है। आज के दौर में नेता से लेकर अभिनेता तक सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। कोरोना काल में सोनू सूद ज्यादा उभर कर सामने आए। इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि सोनू सूद ने आम लोगों की बहुत ज्यादा मदद की। अब सोनू सूद की एक और वीडियो सामने आई है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनू सड़क किनारे चाय की दुकान पर जाते हैं, चाय वालों से ढेर सारी बातें करते हैं। इस दौरान सोनू सूद पूछते हैं कि कितनी कॉफी एक दिन में बेच लेते हो, मुझे भी पार्टनरशिप दे दो। वहीं दूसरी ओर सोनू सूद पास में खड़े एक लड़के को गुटखा न खाने की सलाह देते नजर आते हैं। आपको बता दें अभिनेता सोनू सूद ने न सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के समय उन्होंने लोगों की मदद के लिए जो हाथ आगे बढ़ाया उससे भी वो काफ़ी चर्चा में आए और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान और जगह बनाई। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में मंगलवार शाम आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में हथियारबंद बदमाश नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए और एक सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। 55 वर्षीय विजयपाल के रूप में पहचाने जाने वाले गार्ड को सीने में गोली लगी थी। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अपराधी कथित तौर पर 8 लाख रुपये लेकर फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि एक कैश वैन जगतपुर फ्लाईओवर के पास आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम बूथ पर कैश भरने के लिए पहुंची थी। पीछे से एक व्यक्ति आया और कैश के गार्ड पर फायरिंग कर दी, वो व्यक्ति पैसे लेकर फरार हो गया। पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे कैश वैन लूटने के साथ फायरिंग की घटना की सूचना मिली थी। वैन शाम करीब 4:50 पर जगतपुर फ्लाईओवर के पास एटीएम में कैश जमा करने के लिए पहुंची थी, तब बदमाशों ने पीछे से आकर कैश वैन के गार्ड पर फायरिंग कर दी। गार्ड को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान गश्त कर रहे हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि जवान सीमांत क्षेत्र में बर्फ की मोटी परत के बीच पूरे जोश के साथ पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। कड़ाके की ठंड में भी नियंत्रण रेखा पर दुश्मन की घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सीमा सुरक्षा बल लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। सर्द हवाओं के बीच भी जवानों के हौसले बुलंद है। कश्मीर घाटी में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में पारा शून्य से कई डिग्री नीचे चल रहा है। बर्फबारी से कई गांव मुख्य सड़कों से कट गए हैं। इस परेशानी के चलते लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे ही हालात प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में स्थित कुछ गांवों में दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित नीलग्रंथ शूटकड़ी और सरबल गांव है। पानी के स्रोत जम गए हैं। संकट के समय जोशीमठ से लोगों के पलायन का दौर लगातार जारी है। जहां जहां घरों में दरार पड़ी है वहां से लोग लगातार सामान लेकर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के घर खाली करने का इंतजार है। लगभग 730 मकान चिन्हित किए गए हैं जो खतरे की जद में हैं, लेकिन 110 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें अब तक वहां से निकाला जा चुका है और सुरक्षित इलाकों पर उन्हें पहुँचाया जा चुका है। दूसरी ओर जोशीमठ भूधसाव के चलते एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। जोशीमठ में इमारतों की दरारों के बीच इलाके में बर्फबारी भी जमकर हुई है, जिसके चलते जोशीमठ वासियों पर दोहरी आफत टूटी है। दस्ते जोशीमठ में सबसे पहले 2 होटलों को गिराना है। ये दोनों ही होटल एक दूसरे की तरफ झुक गए हैं। इनके गिरने से दूसरी इमारतों को नुकसान होने का खतरा बना हुआ है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि शरद यादव जी का निधन देश और देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में पिछड़ों और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया। ईश्वर उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों को इस क्षति को सहन करने की शक्ति दे। अमित शाह के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी शरद यादव के घर पहुंचे और उनके परिवार को सांत्वना दी। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा है। उनके निधन से मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने मेरी दादी के साथ सम्मान का रिश्ता साझा किया। बता दें कि गुरुवार रात शरद यादव का निधन हो गया। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है। कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। जम्मू संभाग में शुक्रवार सुबह से ही भारी बारिश जारी है। पर्यटन स्थल पटनी टॉप, नत्था टॉप, गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम में हिमपात हुआ है। बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगह भूस्खलन भी हुआ है। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। उधर मौसम खराब होने का असर वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा पर भी पड़ा है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग समेत ऊपरी इलाकों में पिछले 24 घंटों से हिमपात जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। 14 जनवरी से मौसम में कुछ सुधार आ सकता है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गुलमर्ग में वीरवार को 8 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। श्रीनगर में 2.8 मिलीमीटर, काजीगुंड में 9.8 मिलीमीटर, कुपवाड़ा में 11.3 मिलीमीटर, कोकेर नाग में 7 मिलीमीटर, जम्मू में 1.8 मिलीमीटर, बनिहाल में 24.5, कटरा में 1.8 और भद्रवाह में 15.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नारकंडा इलाके और मंडोल गांव में बर्फबारी जारी है। सुबह से शिमला के नारकंडा समेत लाहौल स्पीति, चंबा, काजा, कुकुमसेरी और नारकंडा के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है। नए साल की शुरुआत से ही पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में शनिवार को जबरदस्त बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर ठिठुरन बढ़ने के साथ मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आई। लाहौल स्पीति और कुल्लू को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे समेत मनाली के पहाड़ों पर 1 फीट बर्फ जमा हो गई है। वहीं शिमला की वादियों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी से तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में 20 जनवरी तक भारी बर्फबारी के आसार हैं। मौसम कार्यालय के अनुसार शिमला जिले के सराहन में 6 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है, जबकि मनाली के पास कोठी में 2 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। गृह मंत्रालय ने कंजावला मामले में दिल्ली पुलिस की 3 PCR वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात सभी 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को PCR वैन जांच चौकी के पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए भी कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि लोग, खासकर महिलाएं और बच्चे, भयमुक्त माहौल में रह सकें। इसके साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अंजलि की मौत के जिम्मेदार आरोपियों पर धारा 302 जोड़ी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह मामला हादसे का नहीं है। आरोपियों को मालूम था कि उनकी गाड़ी में कोई फंसा है। दिल्ली कंजावला केस में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।